मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता का चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिशत चैप्टर की। ये 10वां क्लास होगा और इससे पहले हमारे 9 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। इन्हें आप क्रम में देखें तभी इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो इस सवाल में भी जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करूंगा, एक एक करके इत्मीनान से देखिएगा। जो प्रश्न आपको लगता है कि आप कर लेंगे उस वीडियो को पॉज कर दीजिए और पहले हल करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो पाता है तब आप सॉल्विंग देखिए। एक सर्कस में प्रति व्यक्ति टिकट 12 रुपये है, जब टिकट का मूल्य घटा दिया जाता है तो 80% दर्शक बढ़ जाते हैं, जिससे सर्कस के मालिक की आय 20% बढ़ जाती है। अब प्रति व्यक्ति टिकट का मूल्य क्या है? क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंट में एक सर्कस में जो टिकट का रेट है वो प्रति व्यक्ति 12 रुपये है। होता क्या है कि सर्कस का जो मालिक होता है टिकट की कुछ प्रति टिकट वैल्यू को घटा देता है, जिससे नंबर ऑफ जो दर्शक हैं वो बढ़ जाते हैं। इस फेरबदल में उसकी इनकम जो है 20% इंक्रीज कर जाती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रेजेंट में टिकट का मूल्य क्या है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। सपोज हमारे पहले 100 दर्शक थे, क्योंकि हमें ये तो मालूम नहीं कि दर्शकों की संख्या क्या थी, तो मान लेते हैं कि 100 दर्शक थे। और 100 दर्शक थे तो आय क्या थी? दैट टाइम आय क्या थी? 100 × 12 यानी 1200 रुपये हमारे सर्कस की इनकम थी। 100 दर्शक थे, ऐसा मान लेते हैं 12 रुपये प्रति दर्शक टिकट था, 1200 रुपये हमारी इनकम होती थी। अच्छा, अभी आय 20% बढ़ गई है। जब आय 20% बढ़ गई है तो सवाल ये उठता है कि आय हो क्या गई? तो 1200 × 120/100 ये आय हमारी प्रेजेंट में हो गई 1440 रुपये। 1440 रुपये आय प्रेजेंट में हो गई। प्रेजेंट में हमारे दर्शकों की संख्या क्या है? तो 100 दर्शक थे, 80% बढ़ गए हैं, तो 80 इसमें जोड़ दीजिए। प्रेजेंट में जो दर्शक हैं वो 180 हैं। आपके दर्शक कितने हैं? 180। और कलेक्शन कितना हो रहा है? 1440 रुपये। पहले 1200 होता था, 20% कलेक्शन बढ़ गया है, तो 1440 रुपये कलेक्शन हो रहा है सर्कस से, और 180 दर्शक देखने आ रहे हैं। दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, 18 × 8 = 144 होता है। 18 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है, सॉरी 8 रुपये, 18 × 8 = 144, तो 8 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? इसका सी आंसर सही होगा, 8 रुपये प्रति व्यक्ति। अगला सवाल देखें, किसी छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि 15% सैनिक दोनों भाषाएं बोलते हैं। यदि इन दोनों में से, यदि 900 सैनिक इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिकों की संख्या क्या है? काफ़ी अच्छा सा सवाल है और इसको बहुत ही तेज़ी से आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। देखिए, ये वे व्यक्ति सैनिक हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, ये वे सैनिक हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, और ये वो सैनिक हैं जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, ये हिंदी बोलते हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं, और ये वो हैं जो दोनों बोलते हैं। तो दोनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या क्या है? 15%। अब अंग्रेजी कितने परसेंट बोलते हैं? दोनों भाषाएं 15% बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले सैनिक हैं 36%। तो 36 से 15 घटा दीजिए, बचेगा 21%। ये 21% ओनली इंग्लिश, 15% इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर, और 49% हिंदी बोलते हैं, तो 49 आप वहाँ से घटा दीजिए, यानी 34%। 34% आपके जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो केवल हिंदी 34%, हिंदी 49%, केवल अंग्रेजी 21%, अंग्रेजी 36%, दोनों 15%। तो 21 + 15 + 34, आप इसको जोड़ लीजिए, 4, 5, 9, 1, 10 के शून्य हो गया, कैरी हुआ 1, 4, 1, 5, 2, 7। 70% लोग जो है अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों भाषाएं बोलते हैं।
30% लोग कोई भी भाषा नहीं बोलते, कोई भाषा नहीं बोलते। किसमें से? इन दोनों में से। आप कह रहे हो 900 लोग कोई भाषा नहीं बोलते, तो 900 ही तो 30 है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि टोटल सैनिकों की संख्या क्या है, तो 100 रख दो, क्योंकि नेचुरली कोई भी मेजरमेंट 100% होता है। तो यहाँ पे जब 100 रखोगे तो 3000 सैनिक आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या क्या है, तो 36 रखोगे, तो जो भी आना है। लेकिन केवल अंग्रेजी अगर कहेगा तो 21 रखोगे, और ये आंसर आ जाएगा 630, यानी 630 सैनिक ओनली इंग्लिश बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक परीक्षा में शामिल लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 16:9 का अनुपात है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 4:3 का अनुपात है। यदि 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो बताएं कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षार्थी से तात्पर्य गर्ल्स और बॉयज दोनों से है, यानी एग्ज़ाम में अपीयर्ड होने वाले टोटल बच्चों में से पास बच्चों का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में आपको बताते हैं। एक परीक्षा में शामिल लड़के लड़कियों की संख्या 16:9 के अनुपात में है, तो ये आपके बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए, जिनमें 16:9 का संबंध है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में 0 बढ़ा लेते हैं। सपोज़ 1600 लड़के हैं और 900 लड़कियाँ हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 2500, ठीक है। 16:9 का अनुपात है, आप 160:90 कर सकते हो, 1600-900 कर सकते हो, 16000-9000 कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो 1600 बॉयज़ हैं, 900 गर्ल्स हैं, टोटल 2500 स्टूडेंट हैं। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि जो पास बच्चे हैं उनमें 4:3 का संबंध है, लड़कियां जो पास हैं वो 75% हैं। तो 900 का 75% लड़कियां पास हैं, 900 × 75/100, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 से काट देते हैं, 25 × 75 और 25 × 100, 4 से काटेंगे 225 हो जाएगा, ये 675 आ गया। 675 लड़कियां पास हैं, गर्ल्स पास हैं, ठीक है, 675 गर्ल्स पास हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि बॉयज कितने पास हैं, तो जो पास गर्ल्स और बॉयज में रिलेशन है वो 4:3 का है। तो अगर 675 3 है तो 4 क्या होगा, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 900। 900 बॉयज पास हैं और 675 गर्ल्स पास हैं, टोटल जो पास बच्चे हैं वो 75 और इधर 1575 स्टूडेंट पास हैं। आप देखिए 75% लड़कियां पास हैं, तो 900 का 75% क्या होगा, 675 लड़कियां पास हैं, जो कि 2:3 हैं, हमें चाहिए बॉयज 4, तो 900 लड़के पास हैं, 675 लड़कियां पास हैं, टोटल 1575 स्टूडेंट पास हैं, किस में, 2500 में। तो 1575 2500 का कितने प्रतिशत है, इंटू 100, 25 × 150, 25 × 75, 63% स्टूडेंट इस परीक्षा में पास हुए हैं। आपका सही आंसर बी होगा। अगला सवाल देखें। अजय अपनी आय का 6% बचत करता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई, लेकिन पहले जितने ही रुपए बचाता है, 2 वर्षों के बाद उसकी आय 15% बढ़ गई लेकिन वो पहले जितने ही रुपए बचाता है, बताएं अजय का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है। तो ये भी एक तुलनात्मक अध्ययन है, कोई भी संख्या मान करके आप कर सकते हैं, जो अच्छा लगे जैसा लगे आप कर सकते हैं। सपोज 100 ही रुपये मान लेता हूँ कि 100 रुपये अजय की आय थी, अजय की आय 100 रुपये अजय की आय थी, और ये 6% बचत करता था, यानी यहाँ पे आप निकालेंगे कि जो उसकी बचत है वो 6 रुपये बचत हो गई, तो जाहिर सी बात है खर्च आपका 94 रुपये हो गया, 94 रुपये खर्च हो गया, ये आपका चल रहा था। 100 रुपये अजय की आय थी, 94 रुपये खर्च था, 6 रुपये बचत थी। 2 सालों के बाद उसकी इनकम 15% बढ़ गई,
इनकम 15% बढ़ गई है तो इसका मतलब आज उसकी इनकम कितना हो गई है, 115 रुपये आए, पहले की तुलना में 115 रुपये आए हुए। लेकिन यहाँ बचत वो कैसी करता है, बचत तो पहले जैसे ही करता है ना, 6 रुपये आज भी बचा रहा है, तो 115 से 6 निकाल देंगे तो 109 रुपये आज की डेट में खर्च कर रहा है। 115 वेतन बच मिल रहा है लेकिन 6 रुपये ही वो सेविंग कर रहा है पहले जितना ही, तो 109 रुपये खर्च हो रहा है। अभी 94 रुपये पहले खर्च हो रहा था, 94 पहले खर्च था, अभी 109 खर्च है। जाहिर सी बात है खर्च तो बढ़ा है, कितना, 6 और 9 15 रुपये, 15 रुपये खर्च बढ़ा है किस पे, 94 पे, और इंटू 100 कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 47 हो जाएगा और ये 50 आ जाएगा, 15 × 75, 750 को 47 से डिवाइड करना है, एक बार जाएगा नीचे 47 आएगा, 15 में से 7 गया यहाँ पे 8 आ जाएगा और इधर ये 2 बच जाएगा, फिर 0 उतार लेंगे। ये अगर 50 होता तब भी 5 बार चला जाता, 47 है निश्चित रूप से 5 बार जाएगा, 5 × 7 = 35 के 5 हो गया, 5 × 2 = 20 और 3 = 23, 23 हो गया 20, 5 × 7 = 35 के 5 कैरी हुआ 3 और 5 × 2 = 20 और 3 = 23, यहाँ कितना बच गया, 45 बच गया, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 15 सही 45/47%, ये आपका अच्छा सा आंसर आ जाएगा, 15 सही 45/47%, उसका खर्च जो है पहले के तुलना में इंक्रीज कर गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट आपके सामने 2 सवाल लिखे हुए हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर के 3 गुने को 30% घटा दिया जाए तो 16/21 का 24% प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। आपको मैं दूसरे या तीसरे क्लास में फ्रैक्शन को बढ़ाने या घटाने से संबंधित सवाल बता चुका हूँ कि किसी भिन्न के अंश को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, हर को इतने प्रतिशत कम कर दिया जाए, या दोनों को बढ़ा दिया जाए या दोनों को घटा दिया जाए, ऐसे कई सवाल बता चुका हूँ, बस ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इतने डाइवर्जन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हूबहू सवाल नहीं पूछा जाता है, कोई भी एग्जामिनर अपने हिसाब से एट ए टाइम मौके पे हल्का सा डाइवर्जन कर सकता है और ये डाइवर्जन बड़ी कॉमन चीज़ होती है और ये अंडरस्टूड होती, कोई भी समझ सकता है इसको। तो यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए, मैंने कहा भिन्न का अंश हो या हर हो अपनी पहचान के साथ 100% होता है, तो अगर ये भिन्न का अंश 100% था तो दुगना क्या हो गया, 200% हो गया। अगर इसको आप 20% बढ़ाओगे 200 को, तो जब ये 220% आपका बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अगर यहाँ परसेंटेज ना लगाएं, सारे परसेंटेज हटा दें, तो पहले 100 था फ्रैक्शन, दुगना किया तो 200 हो गया और 20% बढ़ाया तो 240 हो गया। इसी तरह से हर भी 100 था, 3 गुना किया तो 300 हो गया और 30% कम किया तो 30 × 90 यानी 210 बच गया। तो अंश की प्रेजेंट पोजीशन ये है, हर की ये है, जिसका परिणाम निकला 16/21 का 24%, 16/21 का 24% यानी 240/210 जो कि बराबर है 16/21 का 24% यानी 24/100। आपको मूल भिन्न चाहिए तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 16/21 गुणे 24/100 और गुणे 210/240। सारे कैलकुलेशन कर दीजिए, 0 कट गया, 24 कट गया, 21 कट गया, क्या बच गया, 4 × 16 और 4 से काट दीजिए 25, इसका आंसर आएगा 4/25। तो इस तरह से इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं, ना आपको कोई समीकरण बनाना है ना ही कुछ लिखना है। नेचुरली किसी भी भिन्न का अंश 100% होता है, दुगना हुआ 200% हुआ, 200% को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो 240% हो जाएगा, यानी 200 का 20% 20 दुनी 40।
हर इसका 3 गुना आपने किया, 300 हुआ, 300 को 30% कम किया, 70% रह गया सात्विक 21। परिणाम क्या निकला? परिणाम 16/21 का 24% निकला। तो मूल क्या है? जैसे ही मूल पूछेंगे इसको उठा के इसके पास पलट देंगे, आपका मूल निकल आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा सवाल था, बस हल्का सा डाइवर्जन किया गया था। सही आंसर 4/25 होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी मजदूर की मजदूरी में 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसके वर्किंग आवर में काम के समय में 8% की कमी कर दी जाती है। पहले वह प्रति सप्ताह 50 घंटे काम करता था और 1200 रुपये मजदूरी पाता था। बताएं उसकी साप्ताहिक मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हो गई है। तो यहाँ पर दो बातें हैं, और इससे वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बता सकते। चूँकि उसकी मजदूरी तो बढ़ी है बट वर्किंग आवर घट गए हैं, तो परिणाम क्या रहा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। पहले वो 1200 रुपये मजदूरी पाता था, 1200 रुपये उसकी मजदूरी थी और 50 घंटे काम करता था। 1200 रुपये मजदूरी थी, 50 घंटे काम करता था, यानी ये 24 रुपये प्रति घंटे काम कर रहा था, 24 रुपये प्रति घंटे मजदूरी पा रहा था। अभी आपने कहा कि उसकी मजदूरी को 12.5% बढ़ा दिया गया है, तो 24 का 12.5% आप निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर इसका 25% निकालेंगे तो 6 रुपये होगा, और 25 का आधा 12.5 होता है यानी 3 रुपये। कैलकुलेशन इसी तरह से किया करिए तभी आप फास्ट हो पाएंगे। देखिए अगर ये 12.5 की जगह 25 होता, 25% मतलब दुगना, तो इसका 25% क्या हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। 6 चौक 24, 6 रुपये, तो 25 नहीं है वो 12.5 है, तो 3 रुपये हो गया। यानी प्रेजेंट मजदूरी आपकी हो गई 27 रुपये प्रति घंटे। और क्यों 27 रुपये प्रति घंटे? क्योंकि 12.5% बढ़ गई है। अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप कर लीजिएगा। 24 × 112.5/100, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो ये 25 × 100 40 बार कट जाएगा, ये 45 बार कट जाएगा। 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 हो गया, 24 फिर से कर देता हूँ, 24 × 112.5/100। तो दशमलव हटाया हमने, नीचे 0 आ गया। अच्छा 25 से काटते हैं, 25 × 100 ये 40 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो इसको ये 45 आ जाएगा, 45 है ना। 5 × 8 = 40 और 5 × 9 = 45 होता है ना, वो गलत लिख दिया था, ऊपर 40 लिख दिया था। तो 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, यानी इधर हमने रफ काम किया है। तो 27 रुपये प्रति घंटे अभी मजदूरी मिलती है, पहले कितना मिलती थी? 24 रुपये घंटे। अच्छा वर्किंग आवर में 8% की कमी आ गई है, तो 50 घंटे पहले काम करता था, अब 8% कम हो गया है, तो 92% टाइम दे रहा है, 92 और ये 100, इसको कैलकुलेट कर देंगे 46 घंटे आ जाएगा। तो अभी 46 घंटे काम कर रहा है और प्रति घंटे 27 रुपये मिल रहा है, तो 46 × 27 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? देखिए इसको कैलकुलेट करके देखिए, 27 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 से कर लेते हैं, 7 × 6 = 42 के 2 कैरी 4 हुआ, 7 × 4 = 28 और 4 जो है 32 हो गया, और 46 × 2 = 92 हो गया, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर 12, 1242 रुपये उसे अभी मिलते हैं मजदूरी। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ना तो ये होगा और ना ये होगा, बढ़ने वाले दोनों होंगे, क्योंकि पहले 1200 रुपये मजदूरी थी और अभी 1242 रुपये मिलता है। पहले 24 रुपये प्रति घंटे थी, अभी 27 रुपये प्रति घंटे है। पहले 50 घंटे काम करता था, अभी 46 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि मजदूरी बढ़ी है लेकिन वर्किंग आवर घटे हैं 8%। तो 46 × 27 1242 रुपये पाता है, पहले 1200 रुपये बढ़ गया, कितना? 42 रुपये। किस पे? 1200 पे, इंटू 100। 00 काट दीजिए, 12 × 3 = 36, दशमलव लग जाएगा, और 6 × 12 = 60, 3.5% जो है
उसकी वृद्धि हो गई है मजदूरी में, पहले के कंपैरिजन में इतना परसेंट अब ज़्यादा मजदूरी पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है, बस इसको ध्यान से आप एक एक स्टेप समझिएगा, डिटेल में बताएंगे। एक संस्थान के N लोगों पर किए गए सर्वेक्षण से पता लगा कि 60% लोग चाय पीते हैं। उसी संस्थान के P लोगों पर सर्वे किया गया तो पता लगा कि सभी चाय पीते हैं। यहाँ यह भी पता लगा कि N तथा P के योग का 70% लोग चाय पीते हैं। यदि P का मान 200 है तो N का मान क्या है? आप देखिए, N लोगों पर जब सर्वे किया गया पता चला कि N का 60% लोग चाय पीते हैं, तो N का 60% क्या हो जाएगा? N इंटू 60/100, यानी ये बराबर हो जाएगा 3N/5, यानी 3N/5 लोग जो है N लोगों में से चाय पीना पसंद करते हैं। तो ये 3N अपॉन 5 हो गया। अच्छा, P लोगों में सर्वे किया गया तो पता चला सभी के सभी चाय पीते हैं, तो P इस पे जोड़ दीजिए। अच्छा, ये भी पता चला कि N और P का 70% लोग चाय पीते हैं, तो ये बराबर हो गया N+P का 70%। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, 0-0 काट देके ये क्या हो जाएगा, 3N+5P/5, और ये बराबर हो जाएगा क्या, 7N+7P/10। ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6N+10P, 5 × 2 = 10, 10P जो कि इक्वल है 7N+7P के। आप इधर से इधर घटा दें, इधर से इधर, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 3P आ जाएगा, यानी N अनुपात P में क्या संबंध हो जाएगा, 3 और 1 का संबंध हो जाएगा। अगर गुना में कोई चीज़ बराबर है तो इनवर्स रेशियो निकालते हैं, 1N/3P, यानी NP में रिलेशन 3:1 का है। तो आपसे कहा गया P का मान 200 है तो N का मान क्या है, यानी 200 ही 1 है चाहिए 3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600, यानी 600 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक धनात्मक संख्या में एक छात्र से गुणा करने, एक धनात्मक संख्या में एक छात्र 5 से गुणा करने के स्थान पे क्या करता है, 5 से भाग दे देता है। तो जो प्राप्त वैल्यू है वो वास्तविक वैल्यू का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक धनात्मक संख्या में एक छात्र 5 से गुणा करने के स्थान पे बाई मिस्टेक 5 से भाग दे देता है, तो आपसे कहा जाए जो प्राप्त वैल्यू है, जो निकला है, वो वास्तविक यानी रियल वैल्यू का कितने परसेंट होगा। तो कोई भी धनात्मक संख्या जो भी आपको अच्छी लगे, मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, मान लो 10 में हमने गुणा करने के लिए बच्चे से कहा था, तो 10 × 5 अगर करते तो वास्तविक वैल्यू क्या मिलती, 50, ये वास्तविक वैल्यू होती है ना भाई। हमने तो गुणा करने के लिए आपसे कहा था किसी भी धनात्मक संख्या में, तो चलो वो धनात्मक संख्या 10 है, तो 10 को 5 से गुणा करोगे तो 50 रियल वैल्यू आएगी, बट आपने क्या किया कि 10 को क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, ये प्राप्त मान आ गया। अब ये प्राप्त मान जो है वास्तविक मान का कितने प्रतिशत है, तो 2/50, जिसके आगे का लगा वो नीचे, इंटू 100, यानी 4%, आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि अगर ये सवाल हो जाता कि एक धनात्मक संख्या में एक छात्र को 5 से भाग करने के लिए कहा गया है ना, मान लो हम चेंज कर देते हैं, 5 से भाग करने के लिए कहा गया, बट उसने 5 से गुणा कर दिया है ना, 5 से गुणा कर देता है, तो प्राप्त मान वास्तविक मान का कितने परसेंट होगा, तब आपका ये हो जाएगा 50/2, और ये आपका हो जाएगा 100। यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 × 50 कितना हो जाएगा, 2500% हो जाएगा, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। और अगर पहले गुणा करना था बाद में भाग देना था तो 4%, और अगर पहले भाग देना था बाद में उसने गुणा कर दिया तो 2500% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके सामने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं, और ये इस भाग के और परसेंटेज चैप्टर के अंतिम सवाल हैं 2, और अगर आप पूरा 10 वीडियो में वैल्यूएशन करेंगे तो मुझे लगता है कि 100 से काफ़ी ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं, इतना पर्याप्त है। अगर कुछ छूटा हुआ लगता है मैं उसे महसूस करूँगा, तो लास्ट में 1 वीडियो करके और बचे हुए सवाल भी करा देंगे।
नौवां क्वेश्चन लिखा है और दसवां दोनों एक जैसे सवाल हैं, बस एक दूसरे के रिवर्स हैं इसलिए एक साथ लिख दिया है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद लेता है। गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? ऑप्शन दिए हुए हैं, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक चालक 1600 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। पेट्रोल का आरंभिक मूल्य प्रति लीटर क्या था? देखिए यहाँ पे पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसी अमाउंट में चालक कम पेट्रोल खरीद पाया, यानी जब वस्तु महंगी हुई तो उसी अमाउंट में हमें कम सामान मिला, और जब वस्तु सस्ती हुई तो उसी अमाउंट में हमने ज़्यादा सामान खरीद लिया। कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु महंगी होगी तो हमारे सामने दो विकल्प होंगे, या तो हम जितनी महंगी हुई है उतना पैसा डालें या घर कम सामान ले जाएं। अगर हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालते हैं तो हमें सामान में तो कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि अमाउंट हम चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा, वस्तु सस्ती हुई है तो फिर दो से विकल्प आपके सामने हैं, या तो अपना पैसा वापस ले लीजिए या एक्स्ट्रा सामान ले जाइए। तो इन दोनों परिस्थितियों में देखिए आप सवाल करेंगे कैसे। गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो गई तो मेरे 20% पैसे बच जाएंगे। 600 का 20% क्या हो जाएगा? 600 का 20% 600 × 20/100 120 रुपये हो जाएंगे। मेरे पास 120 रुपये बच गए। क्यों बच गए? मैं दुकान पे जाता हूँ और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि साहब 20% गेहूँ सस्ता हो गया, तो मैं 600 का अक्सर खरीदता था, जितना भी खरीदता था, आज भी उतना ही ले जाना चाहूँ तो 120 रुपये वो वापस कर देगा। एक विकल्प और वो देता है कि चाहे तो अपने 120 रुपये ले लो या 5 kg गेहूँ ले लो। तो मैंने कहा 120 रुपये की जो वैल्यू है आज के डेट में वो 5 kg गेहूँ के बराबर है, यानी आज का रेट 24 रुपये प्रति किलोग्राम है। 24 रुपये प्रति kg आज का रेट है, तो दैट टाइम रेट क्या था? निश्चित रूप से इससे ज़्यादा था, क्योंकि आज का रेट सस्ता है। तो ये 24 आपका 80% है और पुराना रेट 100% था। 0 0 काट देंगे, 8 × 24 हो जाएगा। ये आंसर आ गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी पहले का रेट आपका जो था वो 30 रुपये पर kg था। फिर से देखिए, 600 रुपये का हम गेहूं हमेशा खरीदते थे, 20% सस्ता हुआ, 120 रुपये हमारे बच गए। उसने कहा या तो अपने 120 रुपये ले लो या 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं ले जाओ, तो 120 रुपये की वैल्यू 5 किलो गेहूं के बराबर आज की डेट में है। आज का रेट 24 रुपये प्रति किलो है। ये जो आज का रेट है 24, ये पहले के तुलना में 80% है। क्यों? क्योंकि 20% सस्ता हो गया, तो ये अगर 80 है तो चाहिए आपको पहले का रेट, यानी 100%, 30 रुपये पर kg आ गया। आपका बी आंसर सही है। अच्छा, यहीं पे ये दसवां क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेम प्रोसेस से करेंगे, बस ये इसका इन्वर्स है। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। 1600 रुपये का 25% कितना होता है? 1600 × 25/100, यानी 400 रुपये आप और दीजिए, और नहीं तो 4 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हुआ है? महंगा हुआ है तो 400 रुपये आप हमें और दीजिए, जितना ले जाते थे उतना ले जाइए, अदरवाइज 4 लीटर पेट्रोल कम मिलेगा। तो मैंने कहा आज 400 रुपये की कीमत 4 लीटर पेट्रोल है, यानी 100 रुपये प्रति लीटर चल रहा है पेट्रोल आज। अच्छा, ये 25% महंगा हुआ है तो 100 कितना हो गया आपका? 125 हो गया, और चाहिए हमें क्या? 100, क्योंकि महंगा हुआ है 25%, ये 125 हो गया और इधर 100%, तो ये काट दीजिए, ये 5 हो जाएगा, 25 × 25 = 5 5 से काट दीजिए 20 × 20 = 80 रुपये प्रति लीटर था। तो 80 रुपये प्रति लीटर था और 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आप जितना भी पहले खरीद पाते थे उससे 4 लीटर कम खरीद पाएंगे। देखिए कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, 1600 रुपये का पहले भी खरीदते थे, 1600 का अभी भी खरीदते हैं। पहले 100 रुपये में पेट्रोल, सॉरी पहले 80 रुपये में पेट्रोल था, अभी 100 रुपये में है, तो अभी हमें सिर्फ 16 लीटर मिलता है और पहले 20 लीटर मिलता है, तो कितना कम खरीद पा रहे हैं? 4 लीटर कम खरीद पा रहे हैं। तो आप इसमें कोई ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा एक फंडा ध्यान रखिएगा कि चीज़ अगर महंगी हुई है
तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना होगा या कम सामान ले जाएंगे? तो जितना एक्स्ट्रा पैसा हो, जितना कम सामान ले जा रहे हैं, उसी से डिवाइड कर दीजिए, प्रेजेंट रेट आ जाएगा, पुराना रेट आप निकाल लोगे। अगर चीज़ सस्ती हुई है तो या तो हमारा पैसा बचेगा या सामान हम ज़्यादा लाएंगे। तो जितना पैसा बच रहा है उसको सामान से भाग दे दीजिए, आपको प्रेजेंट का रेट मिल जाएगा। निकलेगा हमेशा प्रेजेंट का रेट, अगर पुराना चाहिए तो पुराना फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का 25% महंगा है और पुराना नेचुरली 100% होता है। तो इस तरह से ये परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो रहा है, और इसको एक क्रम में देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा परसेंटेज में कर पाएंगे। और थोड़ा सा क्या होता है कि जब क्वेश्चन आप हल करते हैं उसके बाद उस पर कुछ काम करिए, कुछ रिसर्च टाइप का करिए, कुछ एनालिसिस करिए कि मुझे करना है ये एग्ज़ाम में तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर न्यूनतम समय क्या लगेगा, कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेंगे। अगर इस पर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।